तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग पे। जी हाँ, VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग का आज का हमारा टॉपिक है और VBA में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कोड कंसेप्ट के बारे में। तो आज हम मोमिन जी के साथ कोड कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, माइक्रो में हम पहला वर्ड क्या लिखें, माइक्रो कैसे डिक्लेयर करें, कहां कहां डिक्लेयर करें, कौन से माइक्रो कैसे डिक्लेयर करें, इन सारे सवालों पे हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे थोड़ी सी थ्योरी थोड़ी सी प्रैक्टिकल क्लास के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी जी। तो मैंने अभी कंप्यूटर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिया है मैंने और रिकॉर्डिंग की परमिशन भी दे दी है, रिकॉर्ड। तो हम बात करते हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग। उससे पहले हम बात करेंगे कि जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए। इसी में पहले भी बताया था तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फिर आप क्या करें, फाइल मेनू बार के एक्सेल ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन में एक्सेल ऑप्शन के कस्टमाइज रिबन में जाके आप ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है। तो दो चीजें आपको वन टाइम करना है, सिर्फ वन टाइम, एक पीसी पे वन टाइम। जब तक कि आप अपने विंडो को अपने इसको क्या बोलते हैं ऑफिस को रीइंस्टॉल नहीं कर लेते हैं तब तक। लेकिन एक चीज है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, वो है फाइल को सेव करना, ठीक है ना। फाइल को सेव करना, और सेव करना किस में, .xlsm में सेव करना, .xlsm में सेव करना। सर जी, मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे कि मैंने एक फाइल ओपन किया, उसको मैंने एक नाम रख दिया मैक्रो वन, ओके, नॉर्मल फॉर्मेट में xlsx या तो xls में सेव्ड है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं VBA में जाके कोडिंग लिखता हूँ या कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद में वापस इसको सेव करना पड़ेगा XLSM में? जी हाँ। आप देखिए, XLSX हो चाहे XLSB हो, XLS कोई भी फाइल फॉर्मेट हो, आप VBA प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हो। जी। लेकिन सिर्फ जब तक कि ओपन है आपका। जैसे उसको क्लोज करोगे, सेव करोगे, तो जैसे वो सेव होगा .xlsx में, वो सारी कोडिंग को डिलीट करके सेव कर देगा। अच्छा। इसलिए आपको पहले ही फाइल को सेव कर लेना है .xlsm। अगर ऑलरेडी फाइल अगर xlsx में है तो उसको सेव एज कर दीजिए xlsm में। अच्छा, तो मतलब मैं आपके पास दो ही फॉर्मेट है, एक है xlsm और एक है आपका xls। ये दो ही फॉर्मेट है जो कि VBA को कैरी करेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन ओल्ड वर्जन है तो इसमें बहुत सारे चीज रिमूव हो जाते हैं। जी जी, समझ गए सर। हाँ जी, तो मतलब अगर से मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, उसको स्टार्टिंग में ही XLSM में सेव कर दूँ एज अ मैक्रो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं आगे उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? जी हाँ, जी हाँ, ठीक है सर। ओके, तो डेवलपर टैब में जाइएगा तो यहाँ आपके सामने दिखेगा विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए और अपनी प्रोग्रामिंग लिखिए जो यहाँ लिखना है। लेकिन कहाँ लिखे, तो ये आपके पास विंडो से तीन चीजें, ये आपका है प्रोजेक्ट, ये आपका है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये आपका प्रॉपर्टीज और ये आपका कोड विंडो। अगर मान लीजिए नहीं है आपके पास, है तो सबसे पहले आपको लाना होगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ टूल्स में, नहीं सर, यहाँ ऊपर कंट्रोल आर, और ये जो प्रॉपर्टी है आपका ये आएगा F4। अगर मान लीजिए यहाँ पे आइकन नहीं है तो फिर व्यू मेनू बार में जाके यहाँ से ला सकते, कंट्रोल आर F4 शॉर्टकट पेस्ट कर सकते, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोर क्या होता है कि जितने भी आपके ओपन फाइल है उसका लिस्ट यहाँ से दिखता है। तो आपको किस फाइल के अंदर में प्रोग्रामिंग करनी है, यू कैन डिसाइड हियर, नेविगेट कर सकते हैं यहाँ से एक फाइल से दूसरे फाइल से, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में। और जिस चीज को आप सिलेक्ट करेंगे उसका लिस्ट, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएगी। प्रॉपर्टीज को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे विजुअल करना नहीं करना है, उसको क्या लेफ्ट राइट करना, राइट टू लेफ्ट करना, वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। ये हम बाद में आपको समझाएंगे। अब बात होती है कि फिर कोड कहाँ करें। देखिए, आप सीट वन है तो इस पर भी डबल क्लिक करके हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, इसमें भी कोड लिख सकते हैं, इसमें भी कोड लिख सकते हैं। लेकिन हम कोड इस पर ना लिखते हैं, जनरली कोड लिखते हैं हम कहाँ, मॉड्यूल पे।
इंतजार करते हैं मुलुक। अब ऐसा क्यों क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? देखिए अगर आप सीट वन के ऊपर डबल क्लिक करके इसमें कोड अगर आप लिख देते हैं तो आपकी जो कोड है वो स्टोर हो जाती है किसमें, किसमें? सीट वन की प्रॉपर्टी में। अच्छा, कल के डेट में अगर सीट वन डिलीट होता है अच्छा तो आपकी कोड भी डिलीट हो जाएगी ना सर? ऐसा ओके हाँ सर। तो इसलिए हम इस पे नहीं करते, मॉड्यूल्स में करते हैं। मॉड्यूल फाइल के बैकग्राउंड में फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होती है, जब तक फाइल है तब तक फाइल। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर सीट वन सीट टू सीट थ्री इस पर डबल क्लिक करके आप प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है कि एक फाइल से दूसरे फाइल या एक सीट से दूसरे सीट की जो रिलेशन है वो न कर पाता है, उसमें एरर शुरू कर देता है। अच्छा, तो एक ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको समझना होगा माइक्रो के टाइप को। किसको? माइक्रो के टाइप, कितने तरह के माइक्रो होते हैं। अच्छा सर जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। आपके कहने का मतलब है कि मॉड्यूल पे जो हम लोग कोड लिखते हैं वो मॉड्यूल पूरी वर्कबुक के लिए होता है, पूरी फाइल? जी हाँ, मॉड्यूल जो है फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है और मॉड्यूल पे जो भी हम कोड लिखते हैं उसकी रिलेशन फाइल के हर एक पार्ट में होती है। तो अगर मॉड्यूल पे लिखेंगे तो कोई भी शीट पे एग्जीक्यूट हो सकता है फॉर्मूला? जी हाँ जी हाँ जी जी ठीक है ठीक है। देखिए अब इसको समझिए ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। तो माइक्रो जो होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक माइक्रो, जी जी पब्लिक माइक्रो, ठीक है? हाँ जी। सॉरी पब्लिक माइक्रो। तो पब्लिक माइक्रो क्या होता है? जो आप माइक्रो रिकॉर्ड करते हो या माइक्रो कोड करते हो, जो रिकॉर्ड करते समय होता है दिस वर्कबुक, या आप कोड करते समय माइक्रो उसको मॉड्यूल में जाकर जो कोड करते हैं वो पब्लिक माइक्रो कहलाती है। अच्छा। तो पब्लिक क्यों कहलाती है? जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर बुक वन में इस माइक्रो को मैंने लिखा हुआ है, मतलब माइक्रो लिस्ट बुक वन में लिखा है आपको ना सर? हाँ जी। इस माइक्रो को जहां जहां फाइल जाएगा वहां वहां ये माइक्रो जाएगा। अच्छा। जैसे कि फाइल अगर मैंने मान लीजिए आपको भेज दिया तो आप भी इस माइक्रो को यूज कर सकते हो। अच्छा। ठीक है ना, इस कोड को भी चेंज कर सकते हो। अगर मैंने कोड में पासवर्ड ना लगाया हुआ तो कोड को भी आप चेंज कर सकते हो, और पासवर्ड लगाया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन यूज सब कोई कर सकता है। पासवर्ड लगा हो ना लगा हो माइक्रो यूज, जो जो इस फाइल को एक्सेस करेगा वो माइक्रो को भी एक्सेस कर सकता है, जहां जहां फाइल जाएगा वहां वहां भी जा सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई दूसरी फाइल, जैसे देखिए यहाँ पे बुक वन है हमारा, इसे बुक टू है हमारा, जी। तो हम इस माइक्रो को बुक टू पे भी रन कर सकते हैं, जी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि अगर बुक टू पे अगर रन करते हो तो बुक वन ओपन होती है, तो माइक्रो जिस फाइल में सेव्ड है या जिस फाइल में कोड की गई है वो फाइल ओपन होना चाहिए। अगर वो फाइल ओपन है तो हम किसी भी फाइल में उस माइक्रो को रन कर सकते हैं, ये पब्लिक माइक्रो होता है जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जी। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ एक ऐसा ऑप्शन, जस्ट लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जस्ट लाइक पिवट टेबल है, इस तरह के एक अपना खुद का फॉर्मेट तैयार करना चाहता हूँ। हाँ जी, समझ गए? हाँ जी, देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने पब्लिक माइक्रो लिख दिया तो क्या होगा? हाँ जी, तो प्रॉब्लम ये होगी इसमें कि ये माइक्रो हमें उस ऑप्शन को रन करने के लिए फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा जी, एक दिक्कत होगी ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम माइक्रो रिकॉर्ड करते समय यहां पे पर्सनल वर्कबुक लिख देते हैं। और ये पर्सनल वर्कबुक क्या करता है, ये पर्सनल वर्कबुक जो है आपकी फाइल को ऑफिस लाइब्रेरी में सेव करता है। मतलब कौन सी फाइल को? माइक्रो को, जो कोडिंग लिखेंगे उस कोडिंग को वो बुक वन बुक टू बुक थ्री के अंदर ही रखेगा, इसी फाइल के अंदर ही रखेगा, ये ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर रख देगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा कि जब भी आप किसी भी फाइल के अंदर जाइए तो माइक्रो को आप रन कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। अच्छा, ठीक है, समझ
एक तरह से आपका एक्सेल का ऑप्शन की तरह बन जाता है। अच्छा सर जी, एक पूछना चाहूंगा, मेरे पास हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे जो बी आई टीम वाले हैं उन्होंने एक ऑटोमेशन बना के दिया हम लोग को। हम लोग एक जैसे कुछ कॉल्स होती हैं या कुछ कंप्लेन नंबर से उनकी रिपोर्ट हम लोग बल्क में पुल आउट करते हैं, पुल आउट करके वो डेटा रॉ में होता है, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे सब जम्बल्ड होते हैं, तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए और प्रॉपर एक कुछ स्ट्रिंग्स होती है उसको कैप्चर करके कुछ डेटा को बायफिकेट कर दें, ऐसा करके एक मैक्रो ने दिया, तो उन लोगों ने एक एक्सेल एक मैक्रो फॉर्मेट में एक एक्सेल ऐसे दिया हम लोग को, उसको लेके ओपन करना पड़ता है, उसमें डेटा पेस्ट करना पड़ता है और फिर हमें मैक्रो को रन करो, रन करोगे तो वो सब कुछ रन करके तुम्हारे सामने डेटा दे देगा और तुम उसको फिर दूसरे शीट में कॉपी कर लो अपना, लेकिन इसको बंद करने से पहले इसको अनसेव करो, मतलब सेव मत करो, डू नॉट सेव। तो ये पब्लिक मैक्रो हो गया कि अलग तरह का मैक्रो? पब्लिक मैक्रो है, तभी तो फाइल ओपन करना पड़ता है। अच्छा पर्सनल मैक्रो में होता या पर्सनल मैक्रो का ही एक अल्टरनेटिव होता है एडिंस होता तो आपको किसी भी फाइल में रन कर सकते थे आप, जैसे कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि आप पिवट टेबल करते हैं, उस तरह से। अच्छा सर जी, मैं आपको जो फाइल अभी मैंने कुछ देर पहले दो दिन पहले जो शेयर किया मैंने वो फाइल को मैंने पर्सनल मैक्रो पे बनाया, तो इसकी वजह से वो चल नहीं रहा था कि क्या प्रॉब्लम थी? आपने पर्सनल मैक्रो बनाया था आपने? हाँ, मतलब क्योंकि मैंने एक बार वीडियो देखा था, उस वीडियो पे वो बंदी बता रही थी कि मतलब पर्सनल वर्कबुक पे सेव करो, तो मैं पर्सनल पे सेव उसको रन करता हूँ लेकिन नहीं हो रहा था वो। हाँ, लेकिन वो एक्सेल एक जैसे जैन और फैब नाम का एक्सेल ना वो डेस्कटॉप पर बना दे रहा है लेकिन उसमें डेटा नहीं आ रहा है। उस पे हम आते हैं सर, अभी जो है टॉपिक को देखिए, जो टॉपिक आपका है, ठीक है? ठीक है सर। तो जैसे आपने बोला ना कि आपकी जो किसी ने फाइल बना के दिया तो उसको जो है ना एडिंस बना के देना चाहिए था। अच्छा, पर्सनल माइक्रो बना के किसी को दिया नहीं जा सकता, पहले जान लीजिए। पर्सनल माइक्रो क्योंकि आपके ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होती है, वो आपके सिस्टम पे है, तो किसी को आपके यहाँ आके बनाना पड़ेगा, समझ गए? तो दूसरी चीज, लेकिन पर्सनल माइक्रो का अल्टरनेटिव होता है एडिंग, तो वो आपको एडिंग बना के देगा, आप उसको अपने में एक्सेल में ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, फिर वो आपके एक्सेल का पार्ट बनकर रह जाएगा और जैसा जहां मर्जी यूज करना था उसको यूज कर सकते हो, कोई फाइल खोलने की जरूरत नहीं। तो जैसे कि आप देखोगे कि मेरे पास एक FLC नाम का फाइल होगा, दिख रहा है FLC? हाँ, FLC। जी हाँ, इसमें कोई सीट नहीं दिख रहा है आपको? हाँ। ठीक है, ये फाइल देखिए, यहाँ ओपन नहीं है, ओपन है FLC ना? नहीं, ये ओपन है ना? हाँ जी, ओपन नहीं है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ कोड इस पे स्टोर किया हुआ है, कोड एड इज इस तरह का एडिंग। तो मतलब कि आप जब पर्सनल मैक्रो बनाते हैं तो पर्सनल मैक्रो क्या होता है कि आपके ऑफिस लाइब्रेरी में सेव करता है और हर फाइल उस मैक्रो को रन करेगा, लेकिन आप उस मैक्रो को शेयर नहीं कर सकते, वो आपके पीसी के लिए है, वो आपके पीसी पे ही रहेगा, आप किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। ओके, हाँ जी, क्लियर है जी जी। तो अगर से मुझे पर्सनल मैक्रो पे कुछ बना लिया और किसी को देना है तो क्या करा जाएगा फिर? तो फिर उसके कोड को कॉपी कीजिए, पब्लिक मैक्रो बनाइए, एडमिन बना के भेज दीजिए। अच्छा, वैसे ठीक, ठीक है जी जी। लास्ट आपका आता है इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो सीट वन जिस जहां पे करना है, मैं चाहता हूँ सीट पे कहीं भी क्लिक करो तो मेरा मैक्रो ऑटोमेटिकली वर्क कर जाए, कहीं भी क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली वर्क कर जाए। तो उस केस में मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, व्यू कोड में जाऊंगा और यहाँ हम वर्कशीट और यहां से हम अपना सिलेक्शन चेंज लिया और यहाँ देंगे कि रेंज नहीं, एक्टिव सेल होगा। हाँ, अपनी कोड लिख देते हैं एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू। अब क्या होगा कि मेरा ये मैक्रो रन कर जाएगा कैसे, जब हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, किसी भी सेल पे हम क्लिक करेंगे जी जी, दिख रहा है सर? हाँ। तो ये इवेंट हो गया, मतलब कि देखिए पब्लिक मैक्रो जो बना, पब्लिक मैक्रो को आपको मैक्रोज में जाकर रन करना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट आपने बना रखा है तो शॉर्टकट के माध्यम से रन कर सकते हैं या किसी बटन पे आपने साइन कर दिया तो उस पर क्लिक करके रन कर सकते हैं। जी सर जी, ठीक है
हाँ जी। और ये जो पब्लिक मैक्रो का टाइप होता है कहाँ होता है? मॉड्यूल्स में होता है। प्राइवेट मैक्रो का पहला पार्ट है पर्सनल मैक्रो, इसको रिकॉर्ड करते समय यूज कर सकते हो। ऐसा मैक्रो जो आपके एक्सेल में नहीं, आपके ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होता है, ये आपके एक एक्सेल ऑप्शन की तरह बन के रह जाता है, बट आप ही की पीसी में, किसी को शेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा। इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होता है, कि आपके एक पर्टिकुलर इवेंट पे वो ऑटोमेटिकली आपका वर्क कर जाए। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि फाइल में एक्सपायरी डेट लगाना, या चाहते हैं कि सीट पे कोई लिखे तो ऑटोमेटिकली उसका ये आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, उसका डेट आ जाए, टाइम आ जाए। ये चीजें आपकी पर्सनल मैक्रो से, इसे इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग से होती है। अच्छा, क्लियर है? हाँ जी। देखिए मोस्टली जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं पब्लिक मैक्रो। अब बात करते हैं मैक्रो डिक्लेरेशन टाइप। तो मैक्रो समझ में आ गया, मैक्रो डिक्लेरेशन। जैसे कि मैंने बताया कि हम मॉड्यूल से जाके मैक्रो लिखते हैं, तो हम मॉड्यूल्स के ऊपर ही जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ हम मैक्रो लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं सब्जेक्ट दे दिया और मैक्रो का नाम कुछ भी दे सकते हैं टेस्ट। लेकिन मैक्रो का नाम अगर दे रहे हैं तो थोड़ी सी इसमें भी एक नियम है, देख लीजिए। मैक्रो के नेम के बीच में किसी भी तरह से, मान लीजिए टेस्ट टुडे, ये नाम गलत है क्योंकि इसमें स्पेस आ गया। मैक्रो के बीच में ना कोई स्पेस होना चाहिए नेम के अंदर, ना स्पेशल करेक्टर, ना डॉट, डेसिमल, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं। एक नाम के, देखिए स्पेस स्पेस है, एक नाम के दो मैक्रो एक फाइल में नहीं, अलग अलग फाइल में कर सकते, एक फाइल में नहीं होगा। ओके। उसके अलावा आप थ्री करेक्टर में अल्फा न्यूमेरिक नहीं कर सकते। यहाँ पे राज वन है, ये राज वन हमारा गलत है। अब देखिए जब रन करने जाएंगे तो यहाँ राज वन तो दिखेगा, सेलेक्ट करेंगे लेकिन इसको रन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि राजवन नाम का ऑलरेडी आपके पास सेल एड्रेस है। अच्छा, सेल है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। जी हाँ, सेल एड्रेस है इसलिए। जी जी, ठीक है सर। हाँ जी, इसलिए क्लियर है। हाँ जी, अब बात करते हैं कि हम कोड लिखे कैसे। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि VBA में मेनली चार ऑब्जेक्ट होते हैं। जी। पहला आता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है यहाँ पे वर्क बुक, तीसरा होता है शीट, चौथा होता है रेंज। ठीक है, ये चार ही होते हैं। अब चार क्या है, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं ना, राम इज गुड बॉय। जी। तो राम को पहले क्यों लिखा आपने? राम को ही पहले क्यों लिखे? राम को लिखने का पीछे रीजन ये है कि हमारा सेंटेंस एक ग्रामर कहता है कि फर्स्ट नाउन, और राम नाउन है। हाँ। इसमें ये समझिए कि VBA प्रोग्रामिंग का नाउन है। कोई भी सेंटेंस, मोस्टली सेंटेंस या मोस्टली कुछ लाइन ऑफ कोड है, इसी से स्टार्ट होता है। किस तरह कोड होते हैं, मान लीजिए वर्कबुक सेव करने का है, यहाँ लिखेंगे वर्क बुक और यहाँ पे देंगे बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट सेव एज। अब देखिए क्या है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क मतलब कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डिटेल मेंबर एंड मेंबर की डिटेल। आप बोलते हैं कि भाषा में कहूं तो ये क्या है आपका लोकेशन, लोकेशन डिटेल और एक्शन, एक्शन लोकेशन मतलब कहां पे और क्या करना है। तो वर्क बुक पे, कौन सी वर्क बुक पे, तो बुक वन पे क्या करना है, सेव है, कहां करना है, लोकेशन 2019 का फोल्डर, उसे 1 2 पास हो गया। मतलब कि चार स्टेज होते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की डिटेल, फिर एक्शन, फिर एक्शन की डिटेल। अरे चार मोड मैक्सिमम है, ऐसा नहीं है कि चार ही होते हैं। जी जी, जैसे मान लीजिए मैं, मुझे नया वर्कबुक ऐड करना है, तो यहाँ हो जाएगा वर्क बुक्स डॉट ऐड, इसमें क्या होगा मेंबर और एक्शन। इसमें ना एक्शन की डिटेल डाल दी है, ना मेंबर की डिटेल डाल दी है। मेंबर आपको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट और मेंबर तो होगा, मतलब कि लोकेशन और एक्शन तो होगा ही होगा। जी जी,
एज पर रिक्वायरमेंट लोकेशन की डिटेल्स होगी या और एक्शन का डिटेल होगी। तो आम बोलचाल में हम लोग इसको बोलते हैं लोकेशन और इसको बोलते हैं एक्शन, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं मेंबर। नंबर मेंबर 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 अब मेंबर दो तरह के होते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस कोर्स से पहले आपको सीखना होगा एल्गोरिदम बनाना। आप बोलेंगे सर ये एल्गोरिदम क्या होता है? क्या क्या होता है? चलिए चलिए बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे C5 में आता हूं, मुझे यहां पे लिखना है नेम, रोल नंबर, मार्क्स। इसके स्टेप्स आपको क्रिएट करने होंगे पहले। इसको नोट पैड पे किया जाता है, नोटबुक पे स्टार्ट, ठीक है स्टार्ट। इसके बाद इसमें होता है सिलेक्ट A1, एंटर नेम, सिलेक्ट B1, एंटर मार्क्स, सिलेक्ट C1, एंटर रॉ। यहाँ मार्क्स होगा, हम गलत लिख दिए, ऊपर रोल नंबर आएगी। ठीक है सर अपनी वापस, और लास्ट में हम कर देते हैं एंड। सर आपने बी वन क्या बोल रहे हैं? आपने B1 पे भी मार्क्स ही लिख दिए, एंटर मार्क्स। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिथम बना। अच्छा अब लोगे सर ये तो केदर बेवकूफी वाली बात हो गई, लिखने की क्या जरूरत है, तो सब पता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, आपको पता है, लेकिन बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी उसको कैसे करेंगे। जैसे कि आपने मुझे बोला कि सर मेरा एक रिपोर्ट है उसको ऑटोमेट कर दो, हमने बोला पता है तो कैसे बनाते बताओ। तो आपने बोला कि सर मैं पहले डेटा सेलेक्ट करता हूँ, पिवट लगाता हूँ, पिवट लगाने के बाद फिर मैं पिवट को पिवट में जो आइटम्स होते हैं वो रखता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ, फिर पिवट का डेटा कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ ताकि पिवट रिमूव हो जाए, फिर उस पर चार्ट बनाता हूँ, फिर उसको नई फाइल में ले आता हूँ, फिर उसको सेव करता हूँ, फिर मेल करता हूँ। जी इतनी सारी चीजें याद रहेगी, आप क्या करेंगे उसको नोट करेंगे। नोट क्यों करेंगे? ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखिए एंटर नेम, पर एंटर नेम से पहले सिलेक्ट A1 पे कर्सर रखना था जरूरी है ना, तभी तो नाम लिखेंगे। हाँ जी। उसी तरह से पिवट लगाने से पहले सिलेक्ट का डेटा, उसी तरह से आपको चार्ट लगाने से पहले पिवट को रिमूव करना पड़ेगा। जी इसलिए उसकी अगर एल्गोरिथम हम लिख लें तो सही रहेगा, क्योंकि तो कोई भी प्रोग्रामिंग का चार स्टेज होता है। पहला होता है एनालिसिस, दूसरा होता है आपका एल्गोरिथम, एल्गोरिथम तीसरा होता है कोड, चौथा होता है टेस्ट, उसके बाद रिकोड एंड रीटेस्ट। कब तक? जब तक कि परफेक्ट रिजल्ट आ जाए। जी हाँ, उसके बाद होता है अप्लाई। तो पहले एनालिसिस में क्या होता है कि हम पहले प्रॉब्लम को सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं करना और एक सही तरीका निकालते हैं कि कैसे होगा, फिर उस तरीके को स्टेप में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, फिर उसकी कोडिंग करते हैं, फिर उसकी टेस्ट करते हैं, अगर एरर आया तो फिर उसको रिकोड करेंगे और फिर रीटेस्ट करेंगे, जब फाइनली हो जाएगा देन अप्लाई करेंगे। तो एनालिसिस जो है सिखाने की चीज नहीं है, ये आपके एक्सपीरियंस नॉलेज पे डिपेंड करता है। एल्गोरिथम कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसे मैंने बताया उसे बनाना है। कोडिंग हम आपको कल से सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। तो अभी आपको क्या करना है, आपके पास बहुत सारे रिपोर्ट होंगे ना, बनाते होंगे, तो दूसरा रिपोर्ट का एल्गोरिथम बनाइए, देखिए कोई स्टेप छूटे ना। अच्छा। क्योंकि BVM में क्या होता है, पर लाइन प्रोग्राम होता है, मतलब कि एक लाइन जो है वो एक एक्शन के लिए, एक तरह के एक काम के लिए होता है। दो काम, दो स्टेप जो है एक लाइन में नहीं कर सकते आप। अच्छा। इसलिए सीक्वेंस में होना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। हाँ सर।
ठीक है जी जी तो थोड़ी सी एल्गोरिथम पे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम कल जो है बात करेंगे इस आए पे। तो आपके कहने का मतलब मैं एक एल्गोरिथम के जो स्टेप्स